चक्का स्तंभाल उठाई जो है उस द्वार के जो चार लकड़ी के बने हुए स्तंभ होते हैं। हालेलुया। नालुगु स्तंभाले वो चार स्तंभ ही बाइबल लो नालुगु सुवार्तलु बाइबल में चार सुसमाचार क्रొత్త నిబంధన ఎక్కడ ఆరంభమైతదంటే नया नियम कहां पर शुरू हुआ है अपोस्तल कार्यमलो आरंभమైతది प्रेरितों की पुस्तक से शुरू हुआ है एक्शन लो जो है काम कार्य रूप में रक्षण एक स्टार्ट है तेरी उद्धार कहाँ पर शुरू हुआ है यीशु रक्त कारिना का रक्षण स्टार्ट है तेरा कारक में रक्षण स्टार्ट है यीशु के लहू के बहने के बाद जो उद्धार का कार्य शुरू होता है ना यीशु रक्त कारिना का पाप अलग अलग बढ़ते हैं यीशु के लहू के बहने के बाद ही पापों का धोया जाना शुरू होता है अंत में कड़गा बड़ा होगा उससे पहले तो पाप नहीं धोए जाते हैं ना कड़गा यीशु का लहू का बहा है मत्तै मार्कु लूका योहानु आखिरी अध्याय कारिंदि जो है मत्ती मरकुस लूका योहन्ना इनके आखिरी अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु का लहू बहा है चारिपोई तिरिगि लेसि आकाशानिकि वेल्लिपोयिनदि अपोस्तल कार्यम मोदटि अध्यायम जो है वो जो यीशु मसीह मरकर फिर जिंदा होकर आसमान में चले जाना ये प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय में है लिखा तो रक्षण एकड़ स्टार्ट होता है उद्धार की शुरुआत कहाँ से हुई है यीशु रक्त काल से चली पे तिरी ले चली पो वाला जो है यीशु मसीह लहू बहा कर मरकर फिर जिंदा होकर चले जाना आसमान में हिंदी अपोस्तल कार्य में जो प्रेरितों की पुस्तक में हमने देखते हैं हुआ है अपोस्तल कार्य में पापा कड़ा मोदी प्रेरितों की पुस्तक से शुरुआत हुई है लोगों के पापों के धोए जाना रेंडो अध्याय में जनाल अंटर दूसरे अध्याय में वो लोग लोग की अगर हम उद्धार पाना तो हमें क्या करना चाहिए तब पत्रस उठकर कहता है मन फिराना है हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है परिशुद्धात्मा पंदाला और परिशुद्धात्मा को पानी है तब तुम उद्धार पाओगे तब रक्षण स्टार्ट उद्धार की शुरुआत कहाँ से हुई है स्टार्ट प्रेरितों की पुस्तक से शुरू हुई है मलाकी वचन सर अंत जो मलाकी पुस्तक पे वो पुराना नियम खत्म हुआ है इन एक्शन जो है नया नियम कार्य रूप में जो है कहाँ से शुरुआत हुई है प्रेरितों की पुस्तक से उसकी शुरुआत हुई है इस पुराने नियम और नए नियम को मिलाने वाला ही ये चार सुसमाचार मत्तै मार्कु लूका योहान वो है मत्ती मरकुस लूका और योहन्ना నాలుగు సువార్తలు ఎవరి గురించి చెప్తుంది దేని గురించి చెప్తున్నది ये चार सुसमाचार किसके बारे में और किस बात के बारे में कहते हैं अंतमैंदे बाबू कि ये पुराना नियम अंत हो चुका है आचार वद्दु बाबू ये रीति रिवाजों की अब जरूरत नहीं है कोत्त निबंधन वच्चिंदि नया नियम आया है येसु क्रिस्तु रक्तंलो यीशु मसीह के लहू में येसु नाम बप्तिस्मलो यीशु मसीह के नाम के बप्तिस्मे में मनुष्य रक्षण पंदचो उद्धार पा सकते सारे इंसान कोत्त निबंधन उठी इज़राइल प्रजा के पुराना नियम तो केवल इज़राइली प्रजा के लिए है कोत्त निबंधन अन्नी देशस्थुलकु अन्नी कुलस्थुलकु अन्नी वर्गालकु मनुष्य रक्षण क्रొత్త నిబంధన परंतु वो नया नियम सब देश के लोग सब कुल के सब वर्ग के सब भाषा के लोगों के लिए उस नए नियम के द्वारा सारी दुनिया के लोगों को उद्धार मिला निबंधन पुराने